All of you mute your mic. So let us start the session. Today we are going to start chapter 7, coordinate geometry case study based questions. So total 10 case study questions we are going to do. So this is first case study question. Aditya asked carpenter to make front door of his guest house. The carpenter suggested him a design which is plotted on a graph as shown in below figure. So based on this, now we are going to start with the first question. What is the length of line segment AB? Line segment AB, this length. So, ध्यान से देखो, मैं जिसको अभी शेड कर रहा हूँ, this is 2 and this is 3 units. So, ये कैसे निकालोगे? How will you find this one? That is one way, okay? That is the one way. Otherwise, other method, जो coordinate geometry का है, वो है ये 0, 8. This point is 0, 8, okay? And what is this point? Minus 3? 0. 6. Minus 3, 6. So we can use distance formula, right? If you use distance formula, it will be root over 0 plus 3 whole square plus 8 minus 6 whole square. So you will get 9 here, 4 here, 13. So root over 13 units is the correct answer. So this is the right option. Okay, वो पाइथागोरस थ्योरम वाला भी करेक्ट है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज स्टेप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. तो इमिडिएटली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने से अच्छा तुम लोग ये यूज कर सकते हो. दिस इज 3 एंड दिस इज 2, सो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 13, उसका स्क्वायर रूट रूट 13. ओके, सो वॉट एवर द ईजीएस्ट वे यू फाइंड ट्रिक यू कैन यूज इट बिकॉज द करेक्ट आंसर इज द रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल है क्या? तो उसके लिए क्या करेंगे? yes. हम लोग ए सी निकालेंगे, वो तो दिख रहा है हम लोग को, दिख रहा है तो वी कैन राइट यस डायरेक्टली. सो अभी मुझे एक्सप्लेन करना है तो कैसे करूंगा, ए सी निकालूंगा मैं, ठीक है. सी दिस पॉइंट इज 3, 6 एंड दिस पॉइंट वी ऑलरेडी गॉट 0, 8. सो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला इफ यू आर यूजिंग, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 होल स्क्वायर का अंडर रूट. सो दैट इज 9 + 4, यहाँ पर भी 13 आ रहा है, सो दैट इज इक्वल टू ए बी. सो द करेक्ट आंसर इज यस, राइट. सो नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी ई, राइट. सो ध्यान से देखो, बिना मिड पॉइंट फॉर्मूला के भी हम लोग कर सकते हैं. ये मिड पॉइंट है, दिख रहा है ये वाला? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दिस इज द मिड पॉइंट? यस सर. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मिड पॉइंट? -3, 4, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. अगर मुझे अभी एक्सप्लेन करना है तो फिर तो मैं तो स्टेप्स के साथ में चलूंगा, बिकॉज दिस इज -3, 6 एंड दिस पॉइंट इज ई जो है वो -3, 2 है. ओके, नाउ x1 + x2/2, y1 + y2/2, सो वी विल गेट -3 - 3/2, 6 + 2/2. सो -3 - 3 - 6/2 -3 हो जाएगा एंड 6 + 2 विल बिकम 8/2, 4. सेम आंसर आ रहा है, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड वन. एग्जाम में आया तो वो वाला यूज करना है, तो देखो जो भी शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हो यू कैन यूज, राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड पॉइंट ऑफ ई डी विल लाई ऑन डैश. देखो ई डी यहाँ पर है, मिड पॉइंट यहाँ पर है, कहाँ पर है? आंसर क्या है? y-axis, ठीक है. तो ये तो दिख रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे टिक कर दिया. अदरवाइज वॉट यू कैन डू, यू कैन फाइंड द मिड पॉइंट. कैसे? देखो ध्यान से, ये 3 और 2 है. सो द मिड पॉइंट ऑफ ईडी वी कैन कैलकुलेट बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, x1 + x2/2, दैट इज -3 + 3/2 एंड द नेक्स्ट वन इज 2 + 2/2. ये दूसरा तरीका है ना, मतलब जो फॉर्मूला यूज करके जो फाइंड कर रहे हैं. सो वॉट वी आर गोइंग टू गेट 0 and 2. सो एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, दैट मीन्स इट लाइज ऑन वाई एक्सिस. ओके, दूसरा तो मैंने बोला हूँ, विजुअली वॉट वी आर सींग दैट दिस इज द मिड पॉइंट एंड दिस इज ऑन द वाई एक्सिस, सो वी विल टेक ऑन वाई एक्सिस. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू ज्वाइन बी डी, राइट, इफ यू ज्वाइन बी डी, बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, देख ध्यान से देखो, अगर हम लोग बी डी को ज्वाइन कर रहे हैं दिस वन, सो देन वाई एक्सिस डिवाइड्स बी डी इन द रेशियो डैश. सो ध्यान से देखो, अगर
विजुअली हम लोग देखे तो ये वाला पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है कि नहीं? यस ठीक है. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड द रेशियो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. बट वेस्टेज ऑफ टाइम है. यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा हुआ है, देखो यहाँ पर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल है. कैसे? देखो दिस रेक्टेंगल, यू सी दिस रेक्टेंगल, दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल 3/2, और ये भी 3/2 है. सो दिस टू रेक्टेंगल्स आर सेम 3/2 एंड दिस टू आर द डायगोनल्स. अदरवाइज यू कैन यूज योर विजुअल सेंस ऑल्सो. दिस इज द मिड पॉइंट. सो इफ दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तो रेशियो इज 1:1 एंड द करेक्ट आंसर इज से दिस वन. ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है एंड द रेशियो इज 1:1. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन. वन डे मोहन विजिटेड हिज फ्रेंड्स अपार्टमेंट. फ्रॉम हिज बॉल्कनी ही ऑब्जर्व दैट देर इज अ फ्लावर बेड ऑन द ग्राउंड विच इज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम. फोर रेड कलर पोल्स आर देयर एट द कॉर्नर. दीज आर द कॉर्नर्स. ओके ए बी सी डी रेड पोल्स. नाउ ही ड्रॉज अ स्केच ऑन द ऑफ द फ्लावर बेड ऑन ए ग्राफ पेपर एज शोन इन बिलो फिगर. नाउ बेस्ड ऑन दिस फ्यू क्वेश्चंस आर देयर. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स डी. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी? दिस कोऑर्डिनेट 3/4. वेरी गुड 3/4. द करेक्ट आंसर इज 3/4. द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स. मतलब ये वाला पॉइंट निकालना है राइट. तो 5/3. यस ऑप्शंस. वेट 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 2.5 है ना यहाँ पर. 5/2 इज 2.5. ठीक है 5 और ये है 2/2 मीन्स 5/2. सो द करेक्ट आंसर इज 3/1. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ द साइड ए बी. So you can find on graph only this length. This length is equals to how much units? 6 units. 6 units, right. The correct option is the second one. The length of the side, next is AD, right. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो. मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. दिस इज 2 एंड दिस साइड इज 3. ओके. सो 2² + 3² दैट इज 4 + 9 √13. ओके. अदरवाइज आई टोल्ड यू वन मोर मेथड इज देयर. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज 3/4. ओके एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1/1. सो ए डी हो जाएगा 3 - 1² + 4 - 1² √. राइट. सो दैट इज इक्वल्स टू 2² + 3² दैट इज 4 + 9 एंड द करेक्ट आंसर इज √13. सो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन राइट. So now we are moving toward the next question. If we take A as origin, ठीक है, A को हम लोग origin ले रहे हैं, and AB as x-axis, this one, this is x-axis. Okay, so this is y-axis. Figure समझ में आ गया? Yes sir. Okay. Yes sir. Then the coordinate of M, M क्या हो जाएगा? This coordinate. See the हाँ ये वाला यहाँ से यहाँ तक देखो ये 4 है. ठीक है दिस इज 4 एंड दिस इज 1/2. 1/2 मीन्स 3/2. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? ऑप्शन ए. राइट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन. केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3. वन डे राम वेंट टू हिज होम टाउन ड्यूरिंग दशहरा वेकेशन. ड्यूरिंग हिज एक्सकर्शन ही नोटेड द 4 प्लेसेस टेम्पल टीवी टावर मॉल एंड स्कूल. Then he tried to locate all the places using graph sheet by taking his position at the origin. This is the position of Ram. He marked A, B, C and D for school, A for school and TV tower for B, temple for C and mall for D. Okay, the pictures are also there. Right. Now, based on this, now we are going to solve some questions. First is find the coordinates of C. C. This is the point C. 6, 7. Right. Option C. 6, 7. Correct. Find the distance between school and TV.
एक मिनट, स्कूल ये है राइट, और टीवी टावर, टीवी टावर इज बी. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी? 8, 3. एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? -0, -1. राइट. सो अब इसका डिस्टेंस हो जाएगा 8 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - -1, दैट इज 3 + 1 होल स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 64 एंड दिस विल बिकम 16. सो रूट 80 इज 4√5. ओके, दैट इज 16 × 5 होता है, तो 16 का 4 हो जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टीवी टावर एंड मॉल. मॉल यहाँ पर है और टीवी टावर यहाँ पर है, तो हम लोग ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहीं पर देख सकते हैं. कितना है देखो? 10 किलोमीटर. राइट, 10 किलोमीटर. सो बी डी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड टेम्पल. स्कूल यहाँ पर है ए और टेम्पल यहाँ सी है, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना. सो वी हैव टू यूज डिस्टेंस फार्मूला. सो दिस इज 0 - 1 एंड वॉट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी? 6, 7. राइट. सो डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे तो हो जाएगा 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 7 + 1 होल स्क्वायर का होल रूट. सो दिस इज 36 एंड दिस इज 64. 36 + 64 = 100. सो √100 होता है 10 units. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन. नेम द क्वाड्रिलेटरल ABCD सो फॉर्म. सो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड ऑल द फोर साइड्स फर्स्ट, उसके बाद डायगनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोर साइड्स इक्वल है देन वी विल गो फॉर डायगनल ऑल्सो. नहीं, रेक्टेंगल दिया हुआ तो डायगनल्स निकालना ही पड़ेगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट साइड AB. AB वी ऑलरेडी गॉट 4√5. ओके, सो ये पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं. नेक्स्ट वन DC. D का कोऑर्डिनेट है -2, -3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 6, 7. स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके, सो CD हो जाएगा 6 + 2 होल स्क्वायर, 7 + 3 होल स्क्वायर का होल रूट. राइट, दिस इज 64 एंड दिस इज 16. सो 64 + 16 इज 80. सो √80 इज नथिंग बट दैट इज 4√5. राइट, नाउ वी विल फाइंड CD हो गया, BA, BC भी निकालना है. BC इसके बाद निकाल लेते हैं. 0, 0 - 1. सो -2, -0 होल स्क्वायर, -3 + 1 होल स्क्वायर. सो दिस इज 4 एंड दिस इज 16. 4 + 16 इज 20 एंड √20 इज 2√5. सो वी गॉट AD इज इक्वल टू 2√5. नाउ BC. B इज 8, 3. सो 8 - 6 होल स्क्वायर या 6 - 8 होल स्क्वायर, 3 - 7 होल स्क्वायर या 7 - 3 होल स्क्वायर. राइट, सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 16. सो 4 + 16 √20. सो 2√5. सो दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर रॉम्बस नहीं है. ओके, फॉर रेक्टेंगल नाउ वी हैव टू चेक डायगनल्स आर इक्वल और नॉट. सो डायगनल्स के लिए हम लोग BD निकाले थे 10 और AC भी 10 आया था हम लोग को. राइट, पिछले क्वेश्चन में बोथ आर 10. सो दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल. सो ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज B. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4. द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी. सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter फ्रॉम ईच अदर. देर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द बिलो फिगर. द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. टेकिंग ए एज ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल PQR. सो चलो पी और क्यू आर का देखते हैं. देखो पी कितना होगा? 4, 6. सो 4, 6 मतलब ये एलिमिनेट हो गया हम लोग का. ठीक है, नेक्स्ट क्यू, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू? 3, 2. मीन्स ये एलिमिनेट हो गया. देखो 2, 3 दिया हुआ है, केवल हम लोग को यही चेक करना है लास्ट आर
What is the coordinate of r? 6, 5. Right. So, correct option is? Option A. First one. Right. Next one. What is the midpoint of side PQ when A is the origin? PQ. So, P and Q. Dekho, 4, 6 or 3, 2. This is the coordinate of P. So, 4 plus 3 by 2 and 6 plus 2 by 2. That is 7 by 2, 4. And the correct option is the second one, 7 by 2, 4. Now we are moving towards the next question. What will be the coordinates of the vertices of a triangle PQR if C as a origin? Usko ulta kar diye hum log, theek hai? So, dhyan se dekho. This is P and P is, what is the coordinate of P? 12, 2. 12, 2, right. And what is the coordinate of Q? 13, 6. Right. And what is the coordinate of R? 10, 3. Right. So, isme kaun sa option correct hai? Last option. One. Option D. Last wala, right. Now, the next question. What is the midpoint of point of side QR when C is origin? QR. The coordinates of QR is 13, 6, 10, 13. So, 13 plus 10 by 2, that is 23 by 2. And 6 plus 3 by 2, that is 9 by 2. So, 23 by 2, 9 by 2, third option is the correct one. Now, we are moving toward the next. The given problem is based on which mathematical concept? Coordinate geometry. Coordinate geometry. Right. Triangle, similarity, none of these. The correct answer is coordinate geometry. Now, we are moving toward the next case study question, number 5. The diagrams show the plans for a sunroom. It will be built onto the wall of a house. The four walls of the sunroom are square, clear glass panels. The roof is made using first four clear glass panels, trapezium in shape, all the same size. One tinted glass panel, half a regular octagon in shape. Refer to top view. Top view is this one. Okay, and this is the front view. Find the midpoint of the segment joining the points J and I. So, already coordinate is given in this question. Okay. So, see, 6 plus 9 by 2 is 15 by 2 and 17 plus 16 by 2 is 33 by 2. So, 15 by 2 and 33 by 2. The correct option is C. Next question, refer to the top view, the distance of point P from the Y axis. So, dhyan se dekho. If you draw from here, if you draw the perpendicular line up to point P, so it is approximately equals to 4 centimeter, 4 units. So, the correct option is A. Next, the distance between the points A and S. Refer to point view, front view. A yahan par hai aur S yahan par hai. ठीक है, सो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग जॉइंट करते हैं, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यूनिट आ रहा है, यस सर, राइट, सो द करेक्ट आंसर इज सी, लेकिन अगर हम लोग फिर इसको ये कोऑर्डिनेट से करें तो फिर और थोड़ा लंबा हो जाएगा, राइट? सो कोऑर्डिनेट से करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट 1, 8 है और एस का कोऑर्डिनेट 17, 8 है, सो दैट इज 17 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 होल स्क्वायर का होल रूट, सो वी आर गेटिंग 16 स्क्वायर प्लस 0, दैट इज 16 स्क्वायर इज 16 ओनली, एंड करेक्ट आंसर इज सी बिट. सो बेस्ट है ये वाला जो मैं अभी फर्स्ट मेथड जो मैंने यूज़ किया, क्योंकि वो पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ स्केल हियर. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू फ्रंट व्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:3, राइट? सो पॉइंट ए जस्ट नाउ आई टोल्ड 1:8, पॉइंट बी का है, यहाँ पर बी है, so 1, 8, 9, 10, so 5, 10, देखो 5, 10, this is the fifth column and this is the tenth row, so 5, 10, 1, 8,
तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड द रेशियो इज गिवन 1:3। सो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे हम लोग एम वन एम टू एम वन इंटू एक्स टू दैट इज 1:5 प्लस एम टू इंटू एक्स वन दैट इज 3:1 अपॉन 1+3 राइट एंड द नेक्स्ट वन इज एम वन इंटू वाई टू दैट इज 1:10 प्लस एम टू इंटू वाई वन दैट इज 3:8 अपॉन 1+3 ठीक है तो ये हो जाएगा 5+3/4 एंड दिस विल बिकम 10+11/4 सो 8/4 इज 2 एंड दिस इज 34/4 34/4 इज 8.5 सो 2 8.5 द करेक्ट ऑप्शन इज डी दिस क्वेश्चन इज क्लियर दिस क्वेश्चन वॉज इट वॉज taken from the last year's CBSE sample paper, okay, for standard. Now the next question, refer to front view, if a point XY is equidistant from Q and R, the point is already given 9, 8 and 17, 8, okay. So equidistance matlab, is point ko main P le raha hun, P, so PQ is equals to PS. So we'll take it as PQ square is equals to PS square. Now PQ, PQ square, X minus 7, 9 whole square, प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर नेक्स्ट x माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर ठीक है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 y स्क्वायर माइनस नहीं ये दोनों वी कैन एलिमिनेट दिस टू x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 ओके सो x स्क्वायर आल्सो वी कैन एलिमिनेट नाउ शिफ्ट माइनस 34 टू दिस साइड it will become plus 34x and 81 to this side it will become minus 81 so this is 16x and this is 208 so 208 by 16 is 13 so x minus 13 is equals to 0 option b right so now we are moving toward the next question case study question number 6 aditya starts walking from his house to office yahan se yahan tak okay instead of going to the office directly he goes to bank first and then his daughter's school then reach the office assuming that all the distance covered are in a straight line if the house is situated at 2-4 bank at 5-8 and school at 13-14 and office at 13-26 and the coordinates are in kilometer okay So what is the first question is what is the distance between house and bank? So house का मैं बता रहा हूँ एक मिनट house का coordinates h मैं लिख रहा हूँ house का coordinate है 2-4 and bank का coordinate है house bank okay bank का coordinate है 5-8 okay and the distance between this is 5-2 whole square plus 8-4 whole square का under root okay that is using this distance formula 5-2 whole square plus 8-4 whole square so this is 9 and this is 16 9 plus 16 is 25 square root of 25 is 5 5 and the correct option is the first one A. what is the distance between daughter school and bank so daughter school ko main d se denote kar raha hu and the coordinate of school is 13-14 right so bank or b or d ke beech mein nikalna hai so 13-5 whole square plus 14-8 whole square so this will be 8 square that is 64 and this will be 6 square that is 36 64 plus 36 is 100 root over 100 is 10. Right. And the correct option is the second one. Second. Right. So now we are moving toward the next question. What is the distance between house and office? So house ka jo coordinate tha, just now I told you that the coordinate of house is 2-4. Okay. 2-4. And the coordinate of office is 13-26. So this is the direct distance between the office and house. सो इसका हो जाएगा 13-2 होल स्क्वायर प्लस 26-4 होल स्क्वायर का होल रूट एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज 121
and this is 22 whole square means 484, right? तो 605 का स्क्वायर रूट होता है अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 24.59 दैट इज 24.6 किलोमीटर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन. नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय आदित्य टू रीच द ऑफिस. तो फर्स्ट ही वेंट टू बैंक देन डॉटर स्कूल देन डॉटर स्कूल टू ऑफिस. ठीक है, तो हम लोग के पास एक ही डिस्टेंस नहीं है, डॉटर स्कूल टू ऑफिस. सो दैट इज 13-14 एंड 13-26. So 13 minus 13 whole square, 26 minus 14 whole square, that is 0 plus 12 square, 12. ठीक है, so total distance is equals to house plus bank plus school plus office traveled. So house से bank था 5, bank to school था 10 and school to office हो गया 12. So that is 27 kilometer and the correct option is the fourth one. Now we are moving towards the last question. What is the extra distance traveled by the Aditya? उसको चलना था 24.6, लेकिन उसने 27 किलोमीटर travel किया. So we have to subtract, and this is equals to 2.4 किलोमीटर. And the correct option is the third one. Now we are moving towards the seventh question. A group of class 10 students goes to picnic during vacation. There were three different slides. And the three friends Ajay, Ram and Shyam are sliding in the three slides. The position of the three friends shown by P, Q, R in different slides are given below. Now based on this figure, now few questions are there. Find the coordinates of the point Q which divides the line segment PR in the ratio 1:2. So the point of P is 2, 5. ठीक है? And what is the coordinates of R? 8, 3. ठीक है, ओके, फाइन. अगर मान लो मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं तो सीधा बोलूंगा कि ये जो Q है, देखो Q 4 पे आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इट इज कमिंग एट 4 और ये यहां पर आ रहा है. ठीक है, तो 4 वाला एक ही x कोऑर्डिनेट वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज 1. सो मेरा आंसर है 4, 13/3 ओनली बाय यूजिंग ट्रिक. बट वी हैव टू सॉल्व, है ना? तो सॉल्व करने के लिए फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1:2, राइट? सो ध्यान से देखो, आवर फॉर्मूला इज, एक मिनट, आवर फॉर्मूला इज m1 into x2 plus m2 into x1 upon m1 plus m2. So 1:2, ये रेशियो 1:2 है ना. सो 1:2 प्लस 2:5 अपॉन 1:2, दैट इज 3. सो 8 + 4/3, 12/3 इज 4. सो वी गॉट एक्स कोऑर्डिनेट 4. अभी यहाँ तक भी रुक सकते हैं हम लोग, सीधा टिक कर दिए क्योंकि बाकी सारे में एक्स कोऑर्डिनेट 4 नहीं है. तो दिस इज द सेकेंड वे. फर्स्ट तो मैंने कह दिया था, ये दूसरा तरीका है. जबरदस्ती का वाई भी नहीं निकालना यहाँ पर. खैर मैं समझा रहा हूँ वाई भी. यू गॉट माई पॉइंट? यस सर. पहले वाले ट्रिक से तो डायग्राम देख के मैंने टिक कर दिया, सेकंड एक्स निकाल के मैंने टिक कर दिया. उसके बाद पूरा वाई भी नहीं निकालना है, राइट? अभी फिलहाल मैं निकाल रहा हूँ 1:3 प्लस 2:5 अपॉन 3. सो सी दिस इज 13/3. So the final answer is the first one, 4, 13/3. Next, find the distance PR. So distance formula use करना पड़ेगा. So distance formula use करने के लिए अभी देखो, distance formula के बगैर भी कर सकते हैं. ये 2 unit है and this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 units. So Pythagoras theorem, 2² + 6² का whole root, that is 4 + 36, 40. रूट फोर्टी इज नथिंग बट 2√10. मेरा आंसर ऐसे ही आ गया. अब जबरदस्ती का हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 8 - 2² + 3 - 5² सो दिस इज 36 एंड दिस इज 4, दैट इज 6² + -2² दैट इज इक्वल टू √40 एंड इट इज 2√10. द करेक्ट आंसर इज 1, द फर्स्ट वन. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is at equal distance PQ.
क्वेश्चन क्लियर। एक्स एक्सिस पे कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि पी और क्यू से इक्विडिस्टेंस पे है, और पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है क्या है, क्यू का 4 13 बाय 3, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। और एक ऐसी रफ फिगर बना रहा हूँ मैं, ये वाला, यस, ऐसी रफ फिगर है ये। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल, ठीक है, यहाँ पे मान लो ए ले रहा हूँ मैं, सो पी ए इज इक्वल टू क्यू ए, और पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर। सो पी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं अभी एक्स वाई ले रहा हूँ ना, वी आर गोइंग टू टेक एक्स वाई, राइट। सो पी ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस, ये एक्स जीरो होगा, सॉरी एक्स जीरो ना, फाइव माइनस जीरो होल स्क्वायर एंड फोर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस थ्री, 13 बाई 3 माइनस जीरो होल स्क्वायर, दिस इज द राइट हैंड साइड। नाउ वी विल ओपन दिस ब्रैकेट, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड दिस इज 725, दिस विल बी 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड दिस विल बी 169 बाई 9। ओके, एक्स स्क्वायर वी कैन एलिमिनेट फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड वॉट वी कैन डू, वी कैन शिफ्ट माइनस 8x टू दिस साइड, और ध्यान से देखो ये 25 प्लस 4 29 हो जाएगा, या दोनों को ऐसे ही राइट साइड में शिफ्ट करो माइनस, सो वी आर गेटिंग दिस वन, 4x इज इक्वल टू, 4x कैसे आएगा, 8x माइनस 4x, 16 प्लस 1 69 बाई 9 माइनस 4 माइनस 25, ओके। सो ये दोनों को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, माइनस 13। नाउ टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, यू विल गेट 13 बाई 9, एक्स इज इक्वल टू फाइनली विल गेट 13 बाई 9, सो 13 बाई 9 जीरो इज द करेक्ट आंसर, ओके, ये जीरो है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर। सो पी का और आर का कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 प्लस 8 बाई 2 दैट इज 10 बाई 2 एंड 5 प्लस 3 बाई 2 दैट इज 8 बाई 2, सो 10 बाई 2 8 बाई 2, तो फाइनल आंसर इज 5 एंड 4, राइट। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, इफ यू शिफ्ट ओरिजिन ओ बाई 2 units टूवर्ड्स राइट एंड 1 unit टूवर्ड्स नॉर्थ, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। ओके, एक मिनट, पहले डायग्राम समझ लो, इधर देखो, यहाँ पे हम लोग क्या किए, ओरिजिन को 2 unit शिफ्ट किए यहाँ पर राइट साइड में, और फिर नॉर्थ साइड में 1 unit यहाँ शिफ्ट किए, तो यहाँ पर आ गया ओरिजिन। नाउ दिस इज द आवर न्यू कार्टेशियन प्लेन, राइट। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, दिस कोऑर्डिनेट वी हैव टू फाइंड, 6 2, राइट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द सेकेंड वन, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 8, केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 8। कुशाल इज अ क्लास 10 स्टूडेंट रिसाइडिंग इन अ विलेज, वन डे ही वेंट टू अ सिटी हॉस्पिटल अलॉन्ग विथ हिज ग्रैंडफादर फॉर जनरल चेकअप एंड फ्रॉम देयर ही विजिटेड 3 places, स्कूल, लाइब्रेरी एंड पुलिस स्टेशन। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज विलेज ही प्लॉटेड अ ग्राफ बाय टेकिंग हॉस्पिटल एज ओरिजिन, सो हॉस्पिटल ओरिजिन में, and marked 3 places on the graph as per his direction of movement and distance. The graph is shown below. Now we are going to do some questions. Distance between 2 points P and Q is dash. Which formula is the correct one? Option C, right. See, actually the formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. But this is also correct. Out of these 4 options, this is the relevant one, okay? So the correct answer is the C1. Next question. Distance between school and hospital. Okay. School and hospital. What is the coordinate of school? 2 3. Right. And hospital is 0 0. So 2 minus 0 whole square plus 3 minus 0 whole square. That is 4 plus 9. Root 13. And the correct option is B. Next question. Distance between school and police station. See, this you can find from here only. Direct. This is parallel to y-axis, so we can find directly.
1, 2, 3, 4 units. So the correct option is the first one. Distance between police station and library. Police station ka jo coordinate hai, the coordinate of police station is 2, 3, 2 minus 1. And the coordinate of library is 6, 2. So 6 minus 2 whole square plus 2 plus 1 whole square ka whole root. So we are getting 16 plus 9, that is 25, square root of 25. 5. So the correct option is B. Now the last question of this case study question, nearest place to library. Library se sabse nearest place kaun sa, to dikhi raha hai. School. School, right. Otherwise, what you have to do? You have to find the distance between library school, library hospital and library police station. Theek hai? So, isko main L le raha hun, isko S le raha hun, isko H aur isko P. So, LS first nikalna hai. So, LS ho jayega 6 minus 2 whole square plus 2 minus 3 whole square. So, this is 16 plus 1, root 16 plus 1 is root 17. Now, LP we already got 5 and LH 6 minus 0 whole square plus 2 minus 0 whole square. So, 36 plus 4. That is root 20. So, इसमें जो सबसे जो nearest है वो LS है. वो तो यहाँ से दिख रहा है, direct tick कर सकते हैं. Okay, fine. So, now next case study question 9. To conduct sports day activity in your school, rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. Niharika runs 1 by 4th the distance AD on second line. This is Niharika, this one. And post a green flag. Preet runs 1/5th distance AD on the 8th line and post a red flag. Okay. So now we are going to solve some questions based on this. At what distance Niharika posted the green flag from the starting point of second line? So it is already given 1/4 distance AD. Now AD is 100 meter. Okay, so 1/4 of 100 is 25. So correct option is the second one. And the next question, at what distance Preet posted the green flag from the starting point of 8th line? So Preet 1/5 covers 1/5 distance AD. So 1/5 of 100 is 20 meter. Right. So the correct option is first one. Now this next question, what is the distance between both the flags? So pehle hum log dono ka coordinates likhenge. Ek ka hai 25 aur dusre ka 820. So distance nikalenge 8 minus 2 whole square plus 20 minus 25 whole square. So this will become 36 and this will become minus 5 square 25. So 36 plus 25 is 61. So root 61 is the answer. And the correct option is the first one. Option A. Right. So now next question. If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? In the midpoints. ठीक है? इन दोनों के midpoint में वो लगाएगी. So 2 plus 8 by 2, that is 10 by 2. And 25 plus 20 by 2, that is 25 plus 20 is 45 by 2. Okay. So 5 and 22.5. So correct answer is the third one. Third bit. Right. Now we are moving toward the last question. If Shweta has to post a white flag exactly halfway between a line segment A and red flag. Matlab A or red flag. In dono ke beech mein wo white flag lagana chah rahi hai. So, in dono ka midpoint hoga. Okay, midpoint of A and red flag. So, 2 plus 0 by 2, 25 plus 0 by 2. So, that is 1, 12.5. And the correct option is fourth one. Right. So, now we are moving toward the last question of case study question of today's session. On the occasion of Diwali, a rectangular plot have been allotted for Diwali Mela.
to students of secondary school in Hyderabad. In order to reduce smog and pollution, they decided to keep little leaf ridden plants on the boundary at a distance of 1 meter from each other. 4 air purifier machines have also been set up at points L, M, N, O. Answer the following question. Okay. Right. So what are the coordinates of L? Wait. So this we have to take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है? L देखो और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So यहाँ पर हम लोग draw कर रहे हैं. What is the coordinate of L? 4, 7. Right. So correct answer is A1. Now next, what are the coordinates of N? 9, 10, 11, 12, 3. Right. 12, 3 CBIT. Now, distance between L and O. So this is 4, 7. And the coordinate of O is 5, 2. 5. Right. And the distance is 5 minus 4 whole square. Yeah, 4 minus 5 whole square plus 7 minus 2 whole square ka under root. So this will be 1 and this will be 25. So root 26. And the correct option is A. First bit. Right. So now we are moving toward the next question. Considering D as origin, and what are the coordinates of M? अगर D को हम लोग origin कर दें, ठीक है? Without disturbing any. So this will be on the negative side. ये negative side में आ जाएगा. और ये negative x axis होगा और negative ये positive y axis. ये समझ में आ रहा है? Yes. So coordinate of M. M का coordinate देखो ध्यान से. एक मिनट यहीं पर आ रहा है. 1, 2, 3, 4, 5. एक मिनट. And this one. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So -6, 7. ये clear है ये? This is clear? Yes, sir. Okay. Now the last question, find the midpoint of the segment joining the points L and N. Okay, when A as a origin. A जब origin था, तब इन दोनों का midpoint. So इसका था 6, 4, 7. और N का था 12, 3. Right, fine. Good. So x1 plus x2 by 2, that is 4 plus 12 by 2 and 7 plus 3 by 2. 16 by 2, 10 by 2. 8, 5. 5. Right, so ye 8 ho gaya aur ye 5 ho gaya. And the correct option is D1. Okay, any doubt? No sir, not fine. Right. So this is the last question of today's session. And we will do in the next session the other chapter of case study question. So that's all for today's session. Thank you. Thank you very much.